अखिलेश साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद, हाँ साइकिल जिंदाबाद। आप लोग जिता देंगे साइकिल? जिता दे, अपने नेता के लिए जान दे सकते हैं हम, इससे अच्छा नेता के लिए जान दे। इस बार अनुप्रिया का यहाँ से सफाया है, अनुप्रिया जीरो पे हैं। इस समय जो प्रत्याशी हम लोगों के लिए जीतेगी, चला तो जीते जिताओ ना, जिताओ हाँ हो जिताओ। अच्छा। लेकिन जिताए के बाद भी भगाओ, लोकल जिताओ। अच्छा, ये लोकल है इसलिए आप लोग जिताना चाहते हैं। अच्छा है, प्यास लगी है? हाँ। पानी नहीं मिला आपको? अरे पानी सूख। कहाँ घर? मढ़ियान। मढ़ियान से आई है? हाँ। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ पे? अरे हमने आई है 12-1 बजे को। अच्छा, 12 बजे से आई है? तो अखिलेश यादव काफी लेट कर दिए, काफी लेट कर दिए, इतने गर्मी में कहाँ आ गए आपको? अब कहाँ कही भी है, कहाँ कही तो आ गए भाई, अब जाना सुने आ गए। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है इनका? अभी हम ना बता सकते। बिहार जनता जाए भैया तो हाँ दादी, अखिलेश कहीं जाए और का अखिलेश कोई? हाँ, मतलब उनका माहौल बना है? हाँ, हाँ, बना। अच्छा, यहाँ से मिर्जापुर लोकसभा से कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी हम के बताइए। चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ पे मालूम है? रमेश भी। आपको मालूम नहीं था? चाचा बता दिए। हाँ। मालूम नहीं था ना? नहीं। अच्छा, जो लाया था वो आपको बताया नहीं था क्या? नहीं नहीं बताया, नहीं बताया था। सिर्फ अखिलेश के नाम पे आप आई हैं? हाँ हाँ। चलिए, आप मालूम है प्रत्याशी कौन है? अरे हम तो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? चलिए कोई बात नहीं, इनको नहीं नहीं मालूम है। हाँ आइए, क्या कह रहे थे चाचा? यहाँ से अखिलेश के अलावा किसी की वोट भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ अखिलेश के अलावा किसी को नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं। अच्छा। जो भी होगा वो तीसरे चौथे पोजीशन पर रहेगा। अच्छा, अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं कि बहुत सारे हम काम किए हैं और इस बार हम यहाँ से फाइट भी करेंगे। तो कुछ भी नहीं कर पाएगी? हाँ? नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। नहीं नहीं, मतलब आप लोग माहौल पूरा बना लिए हैं? आप लोग नहीं, पूरी समाज, पूरी जनता बना लिया है। पूरी जनता? पूरी जनता। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आधी संख्या देख रहे हैं वो मोदी जी का। वो नहीं है। हा? वो नहीं है, वो कोई होगा उस पार्टी का। अच्छा, हाँ मतलब अदर की भी पार्टी के भी? जी जी है। तो अच्छा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अखिलेश यादव को बहुत चाह रहे हैं लोग, लाइक बहुत करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर चढ़ के घूम रहे हैं, आइए दिखाते हैं थोड़ा सा, उस तरफ कैमरा घुमाइए। तो ये देखिए चाचा, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो देखिए चढ़े हुए हैं सब लोग। वो सब गलत कर रहे हैं, उन लोगों की क्या हौसला है, ये हौसला गलत है उन लोगों की। हाँ हाँ, ये सब गलत है, ये सही नहीं है ना? सही नहीं है। चलिए चाहे बताइए, छात्र नेता है, क्या नाम है? नवीन कुमार यादव। अच्छा, अखिलेश यादव के रैली में कैसा लगा आकर के? आप खुद ही देख रहे हैं क्या? हाँ हाँ, टोपी ओपी लगा दीजिए भाई। चलिए ठीक है, टोपी नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैमरे के सामने सकिए, थोड़ा क्लोज लीजिए। आप खुद देख रहे हैं कितना, क्या कहते हैं कि भीड़ लगी है। हाँ। और ये चुनाव क्या कहते हैं, जनता खुल रही है और जनता दिखा रही है चुनाव। अच्छा, लेकिन लेकिन लोग कह रहे हैं कि आधी जनता जो है वो मोदी जी का है इसमें। कुछ नहीं, क्या कहते हैं यहाँ हम बताएं 300 रुपए वाली भीड़ नहीं है कि जो मोदी जी 300 रुपया दे के बारिश मनाए हैं, ये अखिलेश जी यादव जी का भीड़ है, ये अखिलेश यादव जी की सिपाही है। चलिए, मतलब किस बार आप लोग आइए, और लोगों से बात करते हैं, आइए इस तरफ आइए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं। जा रहे हैं क्या? प्यासा है, प्यास लगी है? हाँ। पानी नहीं मिला आपको? अरे पानी सूख ही गया। कब से आए हैं आप? अरे हम 10-11 बजे आए हैं। 10-11 बजे से आई हैं? हाँ। अच्छा, किसको देखने आई थी दादी? अरे आवा तो उनके मुलायम सिंह को देखा। मुलायम सिंह नहीं, अखिलेश हैं ये? अखिलेश। अखिलेश को देखने आए? कहाँ से आए? आपका घर कहाँ पे है? उसरी खम्हरिया। अच्छा, तो अभी अखिलेश जी हैं, आप लोग जा रहे हैं? नहीं जा तो नहीं, पानी पीने जा रही हैं। अच्छा, तो जब से जाएंगे नहीं आप लोग रहेंगे यहीं पे? हाँ। इस बार क्या माहौल है इनका? ठीक बा। कैंडिडेट कौन है यहाँ से मिर्जापुर लोकसभा से? साइकिल। साइकिल, तो साइकिल इस बार जीतेगी? चला तो जीते जिताओ ना, जिताओ हाँ हो जिताओ। अच्छा। लेकिन जिताए के बाद अभी बिसरत मत जाए। अब ये तो उनसे कहिए, नेता हम नहीं है। चलिए भैया साइकिल। हाँ नेता जी आइए, क्या माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अखिलेश जी काफी वेट कराने के बाद आए और उसके बाद जो उनके चाहने वाले हैं ऊपर चढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जुनून है उनको, भगवान मानते हैं लोग। अच्छा, इतना भी जुनून नहीं होना चाहिए कि ऊपर लोग चढ़ जा रहे हैं? जुनून है, इतना युवाओं में जुनून है, कार्यकर्ताओं में इतना जुनून है।
अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, पेपर लीक, अच्छा ये सब मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। तो अनुप्रिया पटेल यानी इस बार उनका सफा हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल जी 10 साल में क्या काम किए? कुछ की नहीं है, कुछ नहीं की। इस बार बाहरी भगाओ, लोकल जिताओ। अच्छा, ये लोकल है इसलिए आप लोग जिताना चाहते हैं। बताइए, जे इस बार अनुप्रिया का यहाँ से सफाया है, अनुप्रिया जीरो पे हैं। इस समय जो प्रत्याशी हम लोगों को मिल गए हैं तो इनके लिए जान देने के लिए सब कार्यकर्ता एकदम हावी हैं। अच्छा, जान भी दे सकते हैं? जान भी दे सकते हैं, अखिलेश भैया के नाम पे जान भी दे सकते हैं। महंगाई से जान जाना ही है। अपने नेता के लिए जान दे सकते हैं हम, इससे अच्छा नेता के लिए जान, नेता के लिए जान। बेरोजगारी, महंगाई और सारी जो चीजें हैं जो कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब प्रशासन कानूनी तौर पे जो ये अपना वो किया जा रहा है, किसी भी नेता को उठा लिया जा रहा है, जो अपना ये संविधान बदलने की बात की जा रही है, मनुवाद लाने की बात की जा रही है, वो मुद्दा पे हम लोग वोट करेंगे। सब कर रही है, अच्छा कर रहा है, जीतेगा। कौन जीतेगा? अखिलेश, साइकिल जिंदाबाद। साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। आप लोग जिता देंगे साइकिल? जिता दे, बहुत अच्छे ओर से जीतेगा। कितने ओर से जीतेंगे? अरे कम से कम 10,000 ओर से जीती ही। 10,000? अच्छा अच्छा, कहा दादी? अरे कुछ बोलब नहीं कर। अच्छा बताइए, कैंडिडेट कौन है यहाँ का? कैंडिडेट का नाम बताइए। कलावती। कलावती। कैंडिडेट कौन है? कलावती। कौन कैंडिडेट कौन है? रमेश बिंद। रमेश बिंद, कुछ लोगों को मालूम नहीं है लगता है। आइए, अच्छा इधर आइए, थोड़ा सा इधर बात करते हैं। कुछ लोगों को भाई कैंडिडेट को लेकर के कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को मालूम नहीं। आइए, सब कैंडिडेट कौन है यहाँ पे मिर्जापुर में? मिर्जापुर कौन है? माता जी, कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? हम नाम ना है, अखिलेश के जाने। तो कैसे आप लोग आ गए यहाँ पे? उनके रैली में आई हैं? अखिलेश की रैली में आई हैं। बस अखिलेश को देखने आई हैं? अरे भाई, आप लोग रैली में लेके आए हैं ये तो बताइए, रैली में लेकर आए हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये जो भी महिलाएं थी लगभग 10 बजे से वेट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को देखने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर उनका अभी 3 बजे लगभग 4 बजे लैंड हुआ था और अभी उनका जो जन संबोधन है वो स्टार्ट है और अभी भी ये लोग बैठी हैं 10 बजे से।